नमस्कार दोस्तों, मरुधर क्लासेस बालोत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल से SSOID के पासवर्ड किस प्रकार से चेंज करें, क्योंकि SSOID का नया रूल जारी हो गया है और उसमें जो आपके पुराने पासवर्ड थे उसके द्वारा आपकी SSOID लॉगिन नहीं हो पा रहे, इसलिए आपको नए पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। नए पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना है और मोबाइल फ़ोन से ही आप किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी बार ट्राई कर चुके होंगे लेकिन आपके SSOID के पासवर्ड चेंज नहीं होते हैं मोबाइल से। तो आज मैं बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन से ही आप SSOID के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर ओपेरा ब्राउज़र सर्च करेंगे और ओपेरा ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इस प्रकार से ओपेरा ये है और ये ओपेरा ब्राउज़र खोल लेना है। खोलने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है SSOID, ठीक है, ये खुल जाएगा। खुल जाने के बाद में ही आपको टाइप करना है। इस प्रकार से ही इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है SSOID। जैसे ही आप SSOID यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी SSOID, ठीक है। SSOID इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मित्रों आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी जो SSOID डालनी है और उसके बाद में आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर SSOID में वो डालना है। फिर आपको ये कैप्सा है ये भर के सबमिट कर लेना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे मान्य करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर OTP मान्य करेंगे, फिर कैप्सा डालेंगे, फिर वेरीफाई OTP करेंगे। जैसे ही वेरीफाई OTP करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे पासवर्ड चेंज का एक मैसेज चला जाएगा, OTP आ जाएगी। OTP के बाद में ये पासवर्ड चेंज होकर के अपने मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। यही आपको पासवर्ड वहाँ पे डालने हैं आपके ID में, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने हैं, वो पासवर्ड जो मैसेज में आए हुए हैं। इसके बाद में फिर से आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आपको भेजना है। तो यहाँ पर OTP पे सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा कैप्चा, यहाँ पर ये भी आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद में आपको OTP भेजे पे क्लिक करना है। OTP भेजना है, उसके बाद में आपको OTP पास वापस सेलेक्ट करना है। आप वापस OTP जो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आया वो डालने, उसके बाद में आपको न्यू पासवर्ड बनाना। और न्यू पासवर्ड कैसे बनाना है कि एक अक्षर छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, उसके बाद में आपको @ या डॉलर का निशान लगा लेना बीच में। उसके बाद में आपकी संख्या लिखनी, अंक लिखने, जैसे कि वहाँ पर आपको किस प्रकार से बनाना मैं एक बार फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। आप नए पासवर्ड किस प्रकार से बनाएंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि कोई आपका नाम है तो उसमें जैसे कि कुछ किसी का नाम सुरेश है तो S बड़ा लिखना है, फिर U छोटा लिखना है, फिर आपको R बड़ा लिखना है, फिर E छोटा लिखना है, फिर S बड़ा लिखना है और फिर आपका H है वो छोटा लिखना। उसके बाद में आप डॉलर का निशान भी लगा सकते हैं या फिर @ का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको दो अंक लिखने हैं, जैसे कि 6 7 है, ये इस प्रकार से आपको नहीं डालना है 6 7, यहाँ पर आपको 7 6 यहाँ इस प्रकार से डालेंगे तो आपके जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार से आप क्रम वाइज डालेंगे तो आपके पासवर्ड चेंज नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपका नाम सुरेश है तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि @ है, फिर आप यहाँ पे 7 6 डाल सकते हैं। तो ये आपके पासवर्ड, इस प्रकार से आप पासवर्ड डालेंगे तो ही आपके पासवर्ड मान्य होंगे, नहीं तो आपके पासवर्ड मान्य नहीं होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कंफर्म करना है दोबारा, उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा डाला, फिर आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल यहाँ पर भी ओके आ जाएगा और यहाँ पर एक
कि आपके पासवर्ड चेंज हो गए हैं, वो भी आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना। उसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन पे भी एक मैसेज चला जाएगा कि आपके पासवर्ड चेंज हो चुके हैं। उसके बाद में दोबारा से आपको यहाँ पर क्लिक, फिर से ये इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर अपनी SSID डालेंगे और आपने जो पासवर्ड चेंज किए वो डालेंगे और फिर लॉग इन करेंगे कैप्चा डाल के, तो आप लॉग इन हो पाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी SSID लॉग इन कर पाएंगे। और ये सिर्फ आप SSID है वो ओपेरा से ही आप कर सकते हैं, यानी ओपेरा ब्राउजर से ही आप इसे कर सकते हैं। गूगल से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर गूगल की वेबसाइट आगे खुल नहीं रही है, और आपको वहाँ पर जो जो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है वहाँ पर कोई भी ऑप्शन दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए आपको ओपेरा डाउनलोड करना है, फिर आप मोबाइल से अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं SSID के। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।